हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू अनदर एडुकेशनल वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस तो एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था गैन कॉस्मोग्राम का जो है पहला एपिसोड था एंड गैन थ्योरी के ऊपर ही हम लोग जो है अपना पूरा जो स्टडी है पूरा रिसर्च है पूरा ट्रेडिंग है मोस्टली डिपेंड्स ऑन गैन थ्योरी सो मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है आपको गैन कॉस्मोग्राम एप्लीकेशन में कैसे आपको सॉफ्टवेयर में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ज्योमेट्री एंड गैन का यूज करके आपको रिवर्सल्स एंड ट्रेंड ट्रेंडलाइंस ट्रैक करने होते हैं तो वो वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज आपने अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं आई बटन पे उसका लिंक है आपको मिल जाएगा वहां से आप जाके देख सकते हैं ये सेकेंड वीडियो होने वाला है सीरीज का एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बहुत ज़्यादा नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टाइम अगर आपके पास इमिडिएटली टाइम नहीं है स्किप करके मत देखिए कुछ आपको समझ में आएगा नहीं फ्री होके देखिए आराम से देखिए आप चाहिए तो स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं वीडियो का 2x एक्स स्पीड वन पॉइंट फाइव एक्स विल डू बट लिसन वेरी थाटफुली लिसन वेरी केयरफुली आप अगर सीखेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो ट्रेडिंग आपका बेटर होगा नहीं तो बहुत कुछ चीजें हैं मार्केट में जो आम रिटेल निवेशक को पता होते नहीं है लाखों रुपया देके कोर्स वगैरह करके आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है फ्री में यहाँ पे नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फिनोस्टैट के चैनल के द्वारा स्वीकार कीजिए सीखिए समझिए प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए बिकॉज जो भी लर्निंग्स है हम लोग भी इसको अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं आगे पीछे करके जो है रिजल्ट मिल ही जाता है बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी बताने से पहले मैं ये, बत, ये बताना चाहूंगा द दैन फैन वॉज क्रिएटेड बाई अर्ली मार्केट टेक्नीशियन डब्ल्यू डी गैन विलियम डी गैन कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एंगल्ड लाइन्स देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि सेलिंग एंगल बन चुका है बाइंग एंगल बन चुका है तो ये एंगल एक्चुअली क्या है आज पूरा समझाऊंगा आपको जो है यहाँ पे एंगल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आज मिलेगा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन चीज़ों को अपने सिस्टम पे जो है फ्री में अभी जाके इसको आप टेस्ट कर सकते हैं बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसका एंड आप इसका जो है फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं कैसे पूरा इंफॉर्मेशन बताऊंगा वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए those who are new to this channel you can consider subscribing to this channel and if you are running out of time आपके पास थोड़ा ही टाइम है तो वीडियो को 2x 1.5x स्पीड में आप सुन सकते हैं उससे आपकी लर्निंग भी हो जाएगी टाइम कंज्यूमर या टाइम जो आप कंज्यूम करोगे वो भी काफी कम होगा चलिए तो एपिसोड नंबर 2 वीडियो टॉपिक गैन फैन तो गैन फैन का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया बहुत ही पुराने मार्केट टेक्नीशियन थे विलियम डी गैन उन्हीं का पूरा ये दान है आ, कि हम लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ पाते हैं सीखते हैं समझते हैं उनका जो फिलोसॉफी उनका जो साइकोलॉजी था मार्केट को लेके जो चीज़ें उन्होंने रिलेट किए प्लैनेट्स, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ज्योमेट्री मैथमेटिक्स के साथ जो मार्केट को जो रिलेट किया उससे हम लोगों ने जितना भी बैक टेस्टिंग किया है ना रिजल्ट्स वेर अमेजिंग मतलब जो वीडियो आपको आई बटन पे दिख रहा है वो थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे ना आप यू विल बी अमेजड दस में से दस बैक टेस्टिंग मैंने उस वीडियो में किया है टेन आउट ऑफ टेन टाइम्स कमऑन टेन आउट ऑफ टेन टाइम बॉस एवरी टाइम टारगेट वेर अचीव कहा मिलेगा आपको ऐसे थ्योरी तो जाके वो वाला वीडियो भी देखिए एंड ये वाला वीडियो हम लोग शुरू करते हैं देखिए गैन फैन इसको मैं अभी जो है गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर वाले चार्ट्स में मैं अप्लाई करके रखा हूं सिंपल uh, है बेसिक्स में बता देता हूं थोड़ा बहुत फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसका संबंध है लेकिन uh, मतलब डायरेक्टली नहीं है लेकिन हाँ कलर्स आपको लगेगा कि यहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो लेवल्स आपको दिखते हैं सपोर्ट के, मोटा मोटी वैसा ही है लेकिन इसमें एंगल काफी मैटर करता है कौन सा चीज मैटर करता है यहां पे एंगल ठीक है सो एंगल मैटर्स द मोस्ट ठीक है एंगल एंगल कितना 45 डिग्री 45 डिग्री का जो एंगल है 45 डिग्री एंगल आपको जो है यह बता सकती है कि वो शेयर या फिर वो इंडेक्स बियरिश है या बुलिश है के आप एकदम से हैरान हो गए ना मतलब एक एंगल कैसे आपको बोल सकती है देखिए मैं समझाता हूं सिंपल है उससे पहले कुछ आपको मैं जिस्ट बता दूं, गैन 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 बिलीव्ड मतलब ये विलियम डी जो थे कि 45 डिग्री का जो एंगल था ना वो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है 45 डिग्री अगर कोई भी स्टॉक चार्ट में अगर 45 डिग्री एंगल के आसपास कोई शेयर कोई इंडेक्स अगर आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है उससे इंपॉर्टेंट एंगल कुछ नहीं हो सकता इसको आप कॉपीपेन में नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन गैन फैन जो है उसको आप दूसरे-दूसरे एंगल्स में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 82.5, 75, 71.25, 63.5, uh, 26.25, 18.75 एंड 15 एंड 7.5 डिग्री। ठीक है यहां पे आपको दिखेगा one is to one, one is to two, one is to three, one is to four, one is to eight। तो ये जो चीज है ना ये ठीक उल्टा हो जाती है जब मार्केट बियरिश होता है टू इज टू वन थ्री इज टू वन फोर इज टू वन एंड एट इज टू वन तो ये जो है ये एंगल्स है बेसिकली आप अगर इसको एंगल में ड्रॉ करेंगे चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट में चलते हैं ये आपका गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है इसमें मैंने ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी चलिए गिफ्ट निफ्टी एंड एक चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप एंगल्स वगैरह आप क्रिएट करें ऑलवेज रिमेंबर यू टेक द स्विंग हाई एंड द स्विंग लो तो मार्केट क्योंकि बुलिश ट्रेंड में है फोर्थ जून के दिन जो यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन से मार्केट जो है एक दिन भी करेक्शन नहीं लिया है प्रॉपरली तो मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसी को एक एंगल में शामिल करेंगे लो एकदम से लो पॉइंट पकड़ेंगे दस पंद्रह पॉइंट इधर उधर होगा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए चलिए ट्वेंटी वन थाउजेंड टू एट्टी थ्री का मैंने लो पकड़ा है इसको एडजस्ट कर देंगे दिक्कत नहीं है एंगल मेरा होना चाहिए इसमें फोर्टी फाइव डिग्री एंगल क्या होना चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री चलिए अभी देखिए यहां पे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसको कनेक्ट किया चलिए इसको इसी लेवल से कनेक्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए यहां से अगर करते एकदम बॉटम पकड़ा है मैंने ट्वेंटी वन थाउजेंड टू एटी थ्री ऑलमोस्ट वी आर देयर फोर्टी फाइव डिग्री का, का एंगल जो है निफ्टी में यहाँ पे टिल डेट अगर आप इसको चार्ट्स में डालेंगे तो यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री का ये जो ग्राफ में अगर मान लीजिए आप एक ग्राफ बनाते हैं ना ऐसा आप अगर मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया ये जो लाइन है ना ये आपकी 45 डिग्री एंगल होनी चाहिए तो मार्केट भी यही बोलती है कि 45 डिग्री के ऊपर अगर मैं हूं तो मुझे लॉन्ग करो 45 डिग्री एंगल पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है उस स्टॉप लॉस के साथ मार्केट अगर 45 डिग्री के नीचे ट्रेड कर रहा है जैसे निफ्टी इसके नीचे ट्रेड कर रहा है अब हो सकता है ये कल इस 43 थ्री फोर्टी फाइव डिग्री एंगल को ये टेस्ट कर दे कल टच भी कर सकता है लेकिन अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है मुझे ऊपर का फोर्टी फाइव डिग्री एंगल का स्टॉप लॉस लगा के मुझे शॉर्ट करो ये स्ट्रेट सिग्नल जो है आपको अकॉर्डिंग टू गैन थियोरी आपको मिल जाती है तो गैन फैन अभी इसमें यूज करने का टाइम आ चुका है चलिए गैन फैन आपको ट्रेडिंग व्यू में आप अगर इसमें देखेंगे तो फ्यूवनाची रिट्रेसमेंट का जो कॉलम है फिबोनाची के ठीक नीचे आपको देखिए गैन बॉक्स गैन स्क्वायर गैन स्क्वायर फिक्स्ड एंड गैन फैन आपको मिल जाएगा आप चाहिए तो इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं गैन फैन में आप जब क्लिक करेंगे आपको एग्जैक्टली exactly वही पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने 45 डिग्री एंगल को मार्क किया है उसके साथ आपको यह जो लाइन है 1 बाय 1 1:1 का जो लाइन है इसको मैच करना है क्यों बिकॉज अकॉर्डिंग टू विलियम डी गैन ये जो आपका वन इज टू वन का जो लाइन है ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन विच सिग्निफाइज दैट यहां से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगी अगर वन इज टू वन लाइन के ऊपर मार्केट है अगर वन इज टू वन के नीचे आ चुका है मार्केट किसी कारणवश तो वन इज टू वन विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड वी कैन सी द टारगेट ऑफ टू इज टू वन दिस इज अकॉर्डिंग टू द गन थ्योरी ठीक है तो आपने एक लाइन ड्रॉ किया पहले मैंने क्या किया एक यहां से मैंने एंगल ड्रॉ किया ट्रेंड एंगल राइट ट्रेंड एंगल मैंने ड्रॉ किया यहां से नीचे से आपको अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा मैं आपको तुरंत रिप्लाई देके सिंपल भाषा में आपको समझाने की चेष्टा करूंगा बाकी मैं बहुत ही ज्यादा प्लेन वेनिला यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ आई गेस कोई कॉलेज uh, गोइंग कोई स्कूल गोइंग बच्चा भी देख रहा है उसको भी समझ में आ रहा है प्रोफेशनल्स को तो समझ में आ ही रहा है दो आर विलिंग टू टेक ट्रेडिंग एज अ करियर तो आपको सीखना पड़ेगा बॉस कोई भी काम करने से पहले चाहे इंजीनियरिंग हो इंजीनियर्स डॉक्टर्स दे ऑल गेट अ प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉलेज सर्टिफिकेशन देन दे गो फॉर द सर्जरीज एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस फील्ड में जाते हैं सब कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद लेकिन आप लोगों को लगता है ट्रेडिंग में जो है ट्रेडिंग बस सुबह उठ जाओ नौ पंद्रह में ब्रश एक हाथ में एक हाथ में फोन कॉल पुट ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है बॉस आपको चीजों को जो है गहराइयों से समझनी पड़ेगी इसको जो है आपको एकदम से गो थ्रू करना पड़ेगा हैव टू रीड द बुक्स ऑफ ट्रेडिंग एंड उसके बाद सिर्फ रीड करने देखिए कोई प्रैक्टिकल डिग्री से कोई ट्रेडर नहीं बना है बॉस मतलब सॉरी uh, कोई एडुकेशनल डिग्री से कोई ट्रेडर नहीं बना है प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उतना ही चाहिए लेकिन उसके पहले कुछ आपको जस्ट बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए सो दिस इज व्हाट आई एम ब्रशिंग यू अप ऑन यहां से जो है आप नॉलेज गेन करिए प्रैक्टिकली चीजों को फ्री में ये सब मैं एक भी रुपया देके इसको आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं फ्री में मैं आपके सामने ये सब चीजें प्रेजेंट कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं प्रॉब्लम इज नॉलेज नॉलेज है नहीं क्या करना है मालूम नहीं इसके लिए आप लोग किसी के भी कहने पे कहीं पे भी कॉल पुट आप ले लेते हैं फिर बाद में आप लॉस कर लेते हैं पहले लीजिए नॉलेज एंड रैंडम ट्रेड्स का रैंडम आउटकम होता है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क ये एक किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इसको जरूर रीड कीजिए उसी का एक लाइन है मार्क डॉगलर्स का कि रैंडम ट्रेडिंग लीड्स टू रैंडम रिजल्ट्स कहां ट्रेड करना है उससे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहां ट्रेड नहीं करना है तो इसको ये गोल्डन लाइन है नोट्स पे जरूर लिख के रखिएगा खास करके दो बिगिनर्स बिकॉज ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं प्लस मार्केट के उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है जिन लोगों ने यह किताबें लिखी हैं, दे हैव 50, 60 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट सो व्हेन दे आर राइटिंग ऑल दिस थिंग्स तो इसका मतलब कोई ना कोई उसका वैल्यू होगा एंड मैं भी नौ साल से मार्केट में हूँ मैंने भी चीज़ों को जो है यहाँ पे काफ़ी करीब से देखा है एंड मैं रिलेट भी कर पाता हूँ जब मैं वो किताबें रीड करता था तब मुझे समझ में नहीं आती थी, थी कि कहना क्या चाहते हैं लेकिन जब मैं खुद काम किया मार्केट में पैसा खोया फिर पैसा कमाया चीज़ों को सीखा नोट्स बनाया नोट डाउन किया जर्नलिंग करता हूं डेली अभी भी करता हूं क्या गलती किया क्या सीखा क्या गलती नहीं करनी है कब ट्रेड नहीं करनी है ये सब चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है तो डेली ओवर ट्रेडिंग करना बंद कीजिए सीखिए प्रॉपरली चीजों को आप अगर नहीं सीखेंगे तो डेफिनेटली यू गोइंग टू लूज अ लॉर्ड ऑफ मनी ट्रस्ट मी ब्रो बी जाके मेरा आग खुल गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई वॉज इन्वाइटेड आई सॉ एम टी एम स्क्रीन शॉट कैन यू कैन नॉट बिलीव आई सॉ एम टी एम स्क्रीन शॉट जिसमें दस हजार करोड़ के लॉसेस ऑन अगल डे आप सोचते हैं कि दस हजार लॉस ले लिया बस मार्केट से निकल जाओ आई है फंड मैनेजर टेकिंगी लॉस ऑफ टेन थाउजेंड करोर स्टिल ही इज अलाइव स्टिल ही इज किकिंग सिंगापुर से काम करते हैं स्टिल ही इज मेकिंग मनी रिकवर लॉसेस तो वाई कॉन्ट यू ठीक है लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस चाहिए यो

ज्ञान थ्योरी इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं हम लोग इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड पैसा भी इसी से बनाते हैं ठीक है चलिए बैक टू दैन फैन तो क्या सीखा हम लोगों ने अभी तक विलियम डी गैन इन्होंने एंगल्स का यूज किया है एंगल्स को क्रिएट किया है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल जो है काफी मैटर करता है 45 डिग्री को जो है आपको कनेक्ट कर लेना है गैन फैन के साथ जो है आपको वन इज टू वन यहाँ पे दिख जाएगा ऑलवेज गैन फैन विल स्टैंड एट वन इज वन ये आप लिख के ले सकते हैं वन इज टू वन का जो एंगल है ये एंगल पे आपको जो है गैन फैन को कनेक्ट करना है ठीक है तो ये एंगल एंड गैन फैन का एंगल जब मैच होगा देन वी कैन से दैट दैट इज द कॉन्फ्लुएंस देखिए यहां पे वन इंस टू वन मैच हो रहा है लेवल यहां पे आ रहा है ट्वेंटी फाइव ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड तो अब ये भी हो सकता है कि यहां से जो है टारगेट आपका ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड का हो देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं आप अगर बुल हैं आपको लगेगा कि गैन फैन नीचे है ऊपर गैन फैन का वन इंस टू वन एंगल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड पे दिख रहा है सुनर और लेटर मार्केट विल रीच देयर अगर आप बियर हैं आप शॉर्ट करना चाहते हैं दिस विल बी योर स्टॉप लॉस आप आराम से फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जैसे ट्रेडिंग में भी बाइंग सेलिंग होती है ठीक वैसे यहां पे भी चीजों को देखने का अलग अलग नजरिया होता है मैं ये बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ यहां से क्या टारगेट रहेगा यह सब बकवास बहुत सारे यूट्यूब चैनल में करते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज स्ट्रेट कट बोलना चाहता हूँ किसी को मालूम नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगी आपको कोई भी एक्सपर्ट बोल रहा है कि एक्स वाईज मार्केट ये है वो है ये टिप है ये है इन साइड सब बकवास कर रहे सब झूठ बोल रहे हैं किसी को भी नहीं मालूम है मार्केट एग्जैक्टली exactly जाएगी कहाँ? तो यहां पे मैं कोई टारगेट सेट करने नहीं बैठा हूँ निफ्टी का मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं इसका नाम है ज्ञान फैन वन इज टू वन ये जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप जब भी गैन फैन ड्रॉ करेंगे यहां से आपको नीचे से स्विंग लो से एक लाइन कनेक्ट करनी है जैसे हम लोगों ने किया एंड इसको कनेक्ट करके आपको जो है एंगल में बैठा देना है ठीक है सो दिस इज द एंगल अब गैन फैन का जो थ्योरी है मैं एक बार यहां पे ही आपको चीजें बता देता हूं तो आपको बेटर समझ में आ ही जाएगा गैन फैन का ये जो थियोरी है ना कि यहाँ पे चीजें जो है ऑलवेज ऑलवेज स्विंग लो से स्विंग हाई पे कनेक्ट करनी होती है आपको एंड ऑलवेज यू विल गेट टू सी सम एंगल्स जैसे हम लोगों ने यहां पे क्रिएट किया है उल्टा साइड पे वन इज टू टू वन इज टू थ्री वन इज टू फोर वन इज टू एट इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है डिफरेंट एंगल्स में ऑपरेट करती है लेकिन सबसे जो गोल्डन एंगल होता है वो एंगल होता है वन टू वन का यानी फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल मार्केट उसके नजदीक है तो गैन थ्योरी यह बताती है कि अगर मार्केट उसके नीचे नीचे ट्रेड करने लगे तो समझ लेना रिसेंट ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी करवट बदलने वाला है ये गैन थ्योरी बता रही है हम लोग इसके ऊपर बस आपको एडुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मेरा कोई उद्देश्य नहीं है यहाँ पे निफ्टी का टारगेट सेट करना ये पूछिए भी मत कमेंट्स में आपको अगर गैन फैन के बारे में कुछ पूछना है जरूर आप पूछ सकते हैं मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का टारगेट बोलने नहीं बैठा हूं मैं बस आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझेंगे तो ऑब्वियसली आप खुद भी टारगेट निकालना सीख जाएंगे एंड ये भी सत्य है किसी को आज तक मालूम नहीं मार्केट कहाँ जाएगी नो बडी नोस नॉट इवन ऑपरेटर ठीक है गेम ही नहीं है वो जो आप सोचते हैं ना गेम वो गेम ही नहीं है बस इतना बोलना चाहता हूं में जो थ्योरी है इसका काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है टू इज टू वन का एंड आपको कहीं ना कहीं ना ये गैप मेजर करना आपको आना चाहिए मार्केट जहां पे है वहां से जो है ये गैप आपको ऑलवेज मेजर करना आना चाहिए देखिए ये गैप हो रहा है आपका ऑलमोस्ट साढ़े पांच परसेंट का दिस इज ऑलमोस्ट साढ़े पांच परसेंट का गैप अगर यहाँ से मार्केट करेक्शन लेती है तो टॉप से 1250 पॉइंट गिरेगी बाजार कहाँ पे आके रुकेगी टू इच टू वन लाइन पे लाइन कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट हो रहा है मान लीजिए बहुत धीरे धीरे करेक्शन ले रही है अब करेक्शन दो तरीके होते हैं एक टाइम करेक्शन होता है एक प्राइस करेक्शन होता है तो जब प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाए ना तो वो प्राइस करेक्शन ही उसको लेना पड़ता है प्राइस बहुत धीरे 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 बढ़ रही है तो मार्केट जो है टाइम करेक्शन लेगी तो प्राइस करेक्शन को अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये करेक्शन बहुत जल्दी जो है आ सकता है इट कैन कम वेरी सुन वेरी फास्ट और उतना ही फास्ट आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर ट्रेंड चेंज होना है तो गैन थ्योरी ये बताती है कि थ्री टू वन भी आएगा एंड फोर इज टू वन भी आएगा फिर एट इज टू वन भी आएगा ठीक है तो टू इज टू वन का जो लाइन है ये मिनी ये आपका जो है माइनर करेक्शन का लाइन है इसको अगर मार्केट एक पुल बैक लेके इसको भी तोड़ देती है इंपल्सिव मूव अगर इसके नीचे आ जाती है टू इज टू वन के नीचे देन नेक्स्ट टारगेट आपका थ्री इज टू वन लाइन के हिसाब से बन जाता है रेंज हो जाता है आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक फोर इज टू वन का करेक्शन भी आता है ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड से लेके ट्वेंटी थ्री थाउजेंड तक एट इज टू वन का करेक्शन भी आता है ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से लेके ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड तक ये हो गया आपका गैन फैन का थ्योरी ऊपर जाने से अगर मान लीजिए यहां पे धीरे धीरे प्राइस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड को पार कर देती है तो इसका भी हम लोग स्केल पे चीजें निकाल लेंगे अगर मार्केट वन इज टू वन लाइन को पार करके अगर निकल जाती है तो देखिए यहां पे कनेक्ट करिए कितना बड़ा कनेक्शन इसका होता है एक बार देखते हैं जो जापान वाला बुलरन का जो बात चल रहा है क्या कितना उस बात में सीरियसनेस है एक बार देखते हैं पे का लाइन कनेक्ट हो रहा है वहीं से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसको आपको कनेक्ट कर देना है तो ये रैली ऑलमोस्ट वन टू टू का जो नेक्स्ट लेग है वन टू टू का जो नेक्स्ट लेग है ये आपका ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास आ रहा है एंड बहुत स्टीप हो रहा है एंगल काफी स्टीप हो रहा है थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी फाइव थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड का लाइन तो ये बहुत स्टीप लाइन है तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेन देखिए पटरी पे है अभी स्टेशन से छूट चुकी है प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट चुकी है तो हम लोग इतना स्टीप एंगल कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे जो है वन इज टू टू वन इज टू वन कंसिडर करेंगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स ये अगर ब्रेक करके अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो अकॉर्डिंग टू गैन थ्योरी शॉर्ट मत करो मार्केट देखिए एंड ये जो भी ट्रेड्स है ये सारे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स है इसका ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म में इसका इफेक्ट काफी मात्रा पे होता है शॉर्ट टर्म में ये चीज सीख के आप इसको स्पेकुलेशन पे नहीं लगा सकते आपको लॉन्ग टर्म का चार्ज देखना पड़ेगा आपको एक एंगल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे 45 डिग्री का उसके साथ गैन फैन को मैच करना पड़ेगा स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर लिख देता हूँ फर्स्ट first create a trend angle at the rate 45 degree draw gan fan from swing low to swing high तो रिसेंट स्विंग लो फोर्थ जून का था इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया इक्कीस हजार दो सौ अस्सी स्विंग हाई चौबीस हजार छह सौ के आसपास का है उसको मैंने कंसिडर किया स्विंग हाई एंड मुझे वन एच टू वन एंगल मिला फोर्टी फाइव डिग्री पे हमेशा आपको फोर्टी फाइव डिग्री पे ही वन एस टू वन मिलेगा वही फोर्टी फाइव डिग्री है एंड ये ध्यान रखना है जब तक मार्केट 45 डिग्री के नीचे ट्रे, नीचे ट्रेड कर रहा है एनी टाइम यू कैन सी अ रिवर्सल ए मैटर मार्केट कितना भी रेंज बाउंड हो कितना भी आ, सुस्त हो सुनर और लेटर यू विल सी अ रिवर्सल मार्केट ट्रेंडिंग था बुलिश मोमेंटम पे है एक टाइम पे जो है यहाँ पे गैनफैन लाइन के ऊपर चल रहा था फोर्थ जुलाई में कुछ अलग हुआ फोर्थ जुलाई के बाद ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना ये अचानक से जो है दूसरे पटरी पे आ गया ये ऊपर ऊपर चल रही थी आप यहां दिस देखिये ट्रेडिंग मच हायर आप अगर यहां से देखेंगे ना हर दिन एक दो तीन चार पांच छ सात एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इक्कीस दिन तक वन इज टू वन लाइन के ऊपर थी सुपर बुल रन चल रहा था अचानक से फिफ्थ जुलाई के बाद यह पटरी से उतर गई इसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया नाउ अकॉर्डिंग टू गैन थ्योरी गैन फैन जब ये वन इच टू वन यानि की फोर्टी फाइव डिग्री एंगल के ऊपर मार्केट है मार्केट इज सुपर बुलिश जब ये वन इज टू वन या फिर 45 डिग्री एंगल के नीचे मार्केट आ जाएगी मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए लेकिन करेक्शन इज नियर समझे ना अब इसको फेल करने के लिए एंड मैंने आपको पहले भी बताया ये आपका एकदम से इंट्राडे वाला हिसाब किताब इसमें नहीं है यू कैन नॉट स्पेकुलेट इंट्राडे यूजिंग दिस मेथड आपको हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा अब फ्यूचर में अगर ये वन एस टू वन लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर टिक जाती है ना तो फिर हम लोग सोचेंगे कि ये जो आइडिया है ये फेल हो गई है मतलब ये जो गैन फोर्टी फाइव डिग्री एंगल के नीचे ट्रेड कर रही थी मार्केट वापस से बुल रन जो है कंटिन्यूएशन में जा रहा है और वो कंफर्मेशन कब आएगी जब पच्चीस हजार के ऊपर हम लोग आराम से ट्रेड करेंगे तो फिर पच्चीस हजार के ऊपर तीस हजार पैंतीस हजार चालीस हजार पचास हजार आते रहेगा लेवल्स जब तक ये नीचे है ये झटका आपको देती रहेगी मार्केट तो ये आप आने वाले दिनों में जब अभी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं आप ये जुलाई के महीने में देख रहे हैं अगस्त के महीने में देख रहे हैं सितंबर, अक्टूबर या फिर 2025 में आप ये वीडियो देख रहे हैं जब भी आप देखिएगा कमेंट्स में जरूर बताइए आप कब, कब देख रहे हैं वीडियो ये वीडियो पोस्ट किया जाएगा ट्वेंटी फिफ्टीन ऑफ जुलाई के दिन आ, एंड जब भी भी आप देखें आप कमेंट्स पे जरूर बताएं तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं कैसे चीजों को भाप लेते हैं कैसे पता चलता है मार्केट में क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है ये सब चीज़ों से पता चलता है एक अकेला गैन फैन नहीं है काफ़ी सारे और भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है काफ़ी आसानी से हम लोग अपने क्लाइंट्स को जो है डेली चीजें यहाँ पे जो है गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ पे क्या लेवल्स रखना है स्टॉप लॉस टारगेट रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे रखना है बहुत सारी चीजों के ऊपर देखिए यहाँ पे नॉन स्टॉप आपको गाइडेंस लाइव मार्केट में मिल जाती है फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी है डब्ल्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप लाइफ टाइम का प्लान ले रहे हैं डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड निफ्टी फोर्टी फाइव सॉरी आई रिपीट वन सेकेंड निफ्टी ट्वेंटी फोर के ज द कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं आप इजिली लाइफ टाइम प्लान एट अ डिस्काउंटेड प्राइस आप ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड आर एक्सेप्टेड ठीक है सो so ये था पूरा जिस्ट गैन फैन का आपको मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया ये जो है लिंक मैं इसका लिंक जो है आ, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं ताकि सभी लोगों को यहाँ पे आसानी हो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है वहाँ से आप ज्वाइन करके सारे एडुकेशनल लर्निंग्स स्टॉक मार्केट न्यूज अपडेट ये सारी चीजों का एक्सेस आप कर सकते हैं ठीक है इसके बारे में मैं ज़्यादा थियोरिटिकली चीजें मैं नहीं समझा रहा आपको मैंने जिस समझा दिया प्रैक्टिकल कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूट करना है वो मैंने आपको समझा दिया बेसिक थ्योरी 45 डिग्री एंगल ट्रेंड एंगल गैन फैन कैसे ड्रॉ करना है वन इज टू वन क्या होता है टू इज टू वन क्या होता है वन इज टू टू क्या होता है ऊपर या नीचे रहने से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया अब आप, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए बैक टेस्टिंग करते रहिए पीछे जाते हैं एक बैक टेस्टिंग हम लोग करेंगे आ, बैक टेस्टिंग इसका करते हैं स्विंग हाई टू स्विंग लो ठीक है स्विंग हाई टू स्विंग लो का बैक टेस्टिंग करते हैं एंड समझते हैं कि एंगल का क्या खेल है ठीक है ये एक बैक टेस्टिंग आपको मैं करके दिखा रहा हूं पहले एंगल ड्रॉ करेंगे पहले स्विंग हाई इसको मैंने चूज किया थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट के दिन लो लगा था उन्नीस हजार दो सौ बाईस का मैं यहाँ पे कनेक्ट किया इस लो को फोर्टी फाइव डिग्री का मुझे एंगल बनाना है फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बनाना है फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बना दिया अब करेंगे गैन फैन को कनेक्ट उन्नीस हजार दो सौ बाईस उन्नीस हजार दो सौ बाईस के साथ कनेक्ट करेंगे गैन फैन को इसको हम करेंगे कनेक्ट देखिए बैक टेस्टिंग आप खुद ही करके देख लीजिए निफ्टी का चार्ट है थर्टी फर्स्ट दिसंबर सॉरी थर्टी फर्स्ट से मैंने यहाँ पे जो है स्विंग लो मार्क किया है टिल फिफ्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री स्विंग हाई ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फोर मार्केट काफी ज्यादा बुलिश ट्रेंड में था आपने देखा यहाँ पे हर रोज मार्केट गैन फैन फोर्टी फाइव डिग्री एंगल के ऊपर एंगल क्रिएट करके कंटिन्यूस बुलिश 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 एकदम से बुलिश ट्रेंड में था यहां से जो है मार्केट घुस गया वन इज टू वन के नीचे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल के नीचे मार्केट गई एंड स्ट्रेट अवे वी कैन सी द मार्केट हैजीव ऑल द टारगेट स्टिल एट टारेट था का, इसने काफी मार्केट में यह जो माहौल था लास्ट ईयर को इस टाइम भी लोगों को लग रहा था कि मार्केट गिरेगा ही नहीं मार्केट नीचे ही नहीं आ सकता मार्केट यहाँ से ऊपर पच्चीस हजार चौबीस हजार जो भी न्यूज चैनल जिसको भी जो नंबर ठीक लगा लास्ट ईयर उन्होंने वो नंबर छाप दिया लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ बीस हजार दो सौ चौबीस आने के बाद गैन यहाँ पे जो है गैन फैन का जो एंगल है वो काम किया जैसे ही नीचे आया गैन थ्योरी इज थियोरी राइट वी कैन सी हियर यस और नो कमेंट्स में बताइए जैसे ही मार्केट नीचे आई तुरंत यहां से घुस गई बाजार नीचे सीधा आपका टू टूटून का टारगेट इसने इजिली अचीव कर दिया विद इन थ्री ट्रेडिंग सेशन बॉस तीन ट्रेडिंग सेशन से जब लग रहा था कि मार्केट आएगी ही नहीं नीचे लास्ट ईयर ये टाइम पे हम लोग भी मार्केट में काम करते थे अभी भी करते हैं दस साल से मार्केट में है जब जब ऐसा एंगल क्रिएट हुआ है मार्केट में मार्केट ने वहां से शार्प डिक्लाइन शार्प रिवर्सल शार्प यूटर्न लिया है आप जितना मर्जी बैक टेस्टिंग कर लीजिए आपको हमेशा मार्केट अगर वन टू वन के ऊपर है ऐसा बुल रैली आपको देखने को मिलेगा मार्केट जब वन इज टू वन फोर्टी फाइव डिग्री के एंगल के नीचे आ जाएगा आपको चेंज ऑफ ट्रेंड ट्रेंड का चेंज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको साक्षात मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग करके एग्जाम्पल के साथ रियल चार्ट्स पे मैं आपको मैं बता दिया तो ऐसे ही बैक टेस्टिंग करते रहिए कमेंट्स पे जरूर बताइए इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी आप कमेंट्स पे जरूर यहाँ पे लिख दीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का जो है नंबर भी दिया गया है नॉन मेंबर्स को डेफिनेटली वहाँ पे जो है कोई गाइडेंस प्रॉपरली प्रोवाइड की नहीं जाती दोज हु आर मेंबर्स ऑफ इनोस्टैट डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप में डेली अपडेट्स डेली जो है चीज़ें आपको मिल जाती है तो व्हाट्सएप पे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है लाइव मार्केट छोड़ के आप जो है आफ्टर मार्केट्स जो है आपको जो भी क्वेरी रहेगी रिलेटेड टू एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्निकल्स आप पूछ सकते हैं ईजिली जवाब आपको मिल जाता है थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गुड नाइट जय हिंद फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में